उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव में सपा कांग्रेस को अपना समर्थन दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पचौली के समर्थन में सपा वोट मांगेगी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष एसपी सशान ने इसका ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सल्ट उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को अंदेशा है कि वो हार जाएगी। इस डर से बीजेपी के पदाधिकारी और मंत्रिमंडल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष एसपी सशान ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सिर्फ हवाई वादे करती है। अगर बीजेपी ने विकास किया होता तो पुराने मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जाता। सल्ट के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया था और कहा था कि सल्ट का उपचुनाव माननीय तीरथ सिंह रावत को लड़ना चाहिए था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के मेंबर नहीं है और 6 महीने के अंदर उनको सदन का मेंबर बनना है। चूंकि एक सीट खाली थी, लेकिन मैं समझता हूं कि वो डर की वजह से वहां पर चुनाव नहीं लड़े। और समाजवादी पार्टी ने वहां स्पष्ट कहा है कि जो गंगा प्रत्याशी है उस प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी। हर हालत में समाजवादी पार्टी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की परास्त देखना चाहेगी और हमने दूसरे दलों से भी अनुरोध किया है कि वहां गंगा को सपोर्ट करें। सल्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी महेश चीना लगातार चुनाव प्रचार कर लोगों से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। महेश चीना ने वसई में उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीधा संवाद भी किया और उनकी समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि महेश चीना लगातार लोगों से बीच पहुंचकर उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।